इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे 10 नई बिना रिजर्वेशन वाली स्पेशल ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सभी ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। देश में कोरोना के मामले में कमी आई है और इसी बीच पैसेंजरों के लिए 10 नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा दोबारा से। भारतीय रेलवे ने कई अनरिजर्वेशन कैटेगरी की ट्रेन को फिर से चलाने का फैसला लिया है और गुरुवार से ही कई अनरिजर्वेशन कैटेगरी की ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर रेलवे ने हाल ही में कई रिजर्वेशन कैटेगरी की ट्रेन को भी अनरिजर्वेशन कैटेगरी की ट्रेन में बदला है और ये सभी ट्रेनें संचालित की जा रही है। आइए जानते हैं सभी ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में और उनके लिस्ट के बारे में। पहली ट्रेन फिरोजपुर कैंट से चलाई जाएगी और यह ट्रेन साहिबाबाद के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 04640 के साथ इस ट्रेन का परिचालन डेली देखने को मिलेगा। इसके अलावा पठानकोट जंक्शन से अमृतसर के लिए स्पेशल ट्रेन 04490 के साथ यह ट्रेन भी डेली चलाई जाएगी। वहीं अमृतसर से नंगल डैम के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन मिली है और इसका भी परिचालन डेली देखने को मिलेगा। ट्रेन नंबर 04537 के साथ इस ट्रेन का परिचालन आप डेली देख सकते हैं और इस ट्रेन में सफर भी कर सकते हैं। साथ ही आप बात करेंगे पांचवी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। पांचवी ट्रेन हनुमानगढ़ से फिरोजपुर कैंट के बीच चलाई जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन भी डेली चलेगी। 04670 के साथ इस ट्रेन में आप सफर कर सकते हैं, साथ ही बुकिंग करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। आखिरी ट्रेन चंडीगढ़ से फिरोजपुर कैंट के लिए चलाई जाएगी और यह ट्रेन भी डेली चलेगी। ट्रेन नंबर 04487 के साथ आप इस ट्रेन में चंडीगढ़ से सफर कर सकते हैं और फिरोजपुर कैंट से इस ट्रेन में आप ट्रेन नंबर 04488 के साथ यात्रा कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनों की बुकिंग भी हो चुकी है चालू। अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग के माध्यम से जाना चाहेंगे तो आपको टिकट बुकिंग करानी पड़ेगी और इसके लिए आपको IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही कोरोना के जारी दिशा निर्देश का भी पालन करना पड़ेगा और यह ट्रेन अगले आदेश तक चलेगी। फिलहाल इस ट्रेन को बंद करने की कोई योजना नहीं अभी तक आई है। तो यह अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का डिटेल्स के लिए।